हेलो बच्चों, हम दोबारा आपके साथ हैं अपने नए टॉपिक के साथ, अवस्था परिवर्तन और वाष्पीकरण। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने पदार्थ के बारे में बात की थी कि पदार्थ क्या था, पदार्थ की अवस्था के बारे में बात की थी कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, क्या उनकी पहचान होती है। आपने ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा, द्रव अवस्था के बारे में पढ़ा, गैस अवस्था के बारे में पढ़ा कि उसमें जो कण होते हैं उनमें आकर्षण बल कैसा होता है और उसमें कौन कौन से उदाहरण उसके अंदर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो तीन अवस्थाएं हमने पढ़ी हैं, ठोस, द्रव और गैस अवस्था, तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं इनके अंदर क्या ऐसा हो सकता है कि ठोस को द्रव अवस्था में बदला जा सकता है या द्रव को गैस अवस्था में बदला जाए या ठोस को सीधे ही गैस अवस्था में बदला जा सकता हो, तो क्या परिस्थितियां होती हैं, किस चीज़ में बदलाव करें, कोई दबाव लगाएं या तापमान में परिवर्तन करें जिसकी वजह से एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो अब इस लेक्चर के अंदर हम यही बात करेंगे कि कैसे अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन। तो इसमें हम बात करते हैं तापमान द्वारा परिवर्तन। ये बात आपने ध्यान से समझनी है कि अगर तापमान को बदल दिया जाए तो कैसे एक अवस्था, यहाँ ठोस की बात कर रहे हैं कि ठोस जो होगा वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अगर तापमान को बढ़ा दिया जाए, अगर तापमान में वृद्धि कर दी जाए तो उससे क्या होगा कि जो कण होते हैं जिससे मिलकर कोई वस्तु बनी होती है, कोई पदार्थ बना होता है, जैसे ठोस बना हुआ है, वो कण आपस में अच्छे आबंध से, प्रबलाबंध से जुड़े होते हैं। तो जैसे ही तापमान में वृद्धि की जाएगी तो जो कण है वो गतिशील हो जाएंगे, उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, उनके बीच में जो गैप है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा पिछले लेक्चर में कि जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, तो यहाँ भी यही बात आ जाएगी, तापमान बढ़ने से उन कणों की गतिशीलता में भी वृद्धि हो जाती है जिससे आकर्षण बल कणों के बीच में कम हो जाता है और जो रिक्त स्थान है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, जो ठोस है, ठोस वस्तु जो पदार्थ है वो द्रव पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे तापमान को जिसमें कोई ठोस गल जाता है या कहें कि पिघल जाता है, वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, उसे हम गलनांक कहेंगे। और यही बात इसमें लिखी जाएगी कि गलनांक क्या होता है, तो सामान्य रूप से बात करते हैं कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे गलनांक कहते हैं। तो उस तापमान को हम गलनांक बोल देंगे जिस पर कोई भी ठोस वस्तु पदार्थ पिघलना शुरू हो जाता है, पिघल जाता है और वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। हम सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं बर्फ के बारे में। जैसे बर्फ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
अगर हम सेल्सियस की जगह केल्विन रखना चाहें, जो एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक होता है, तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये बराबर होता है 273.15 केल्विन, या फिर सीधे से तौर पे लिख दें 273 केल्विन के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि इस तापमान पर जो बर्फ़ है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी, यानी जो ठोस है वो पिघल कर द्रव अवस्था में तरल में बदलनी शुरू हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोल देंगे, गलनांक बोल देंगे। और इसी में अगर बात करें फिर संगलन क्या होता है, संगलन, संगलन का मतलब गलने की, पिघलने की प्रक्रिया, यानी वह प्रक्रिया जिसमें ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन किस पर, एक निश्चित तापमान पर, उस तापमान को क्या कहेंगे, गलनांक बोलेंगे। यानी वह प्रक्रिया जिस पर, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस निश्चित तापमान अर्थात गलनांक पर पिघल कर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे संगलन कहते हैं। तो बात क्या हुई कि प्रक्रिया है जिसमें हमने ठोस लिया और उसको तापमान यानी ऊर्जा देनी शुरू कर दी, उसको गर्म किया और उसने ऊष्मा को, ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, और अवशोषित करने के पश्चात वो किस में बदल गया, वो द्रव में परिवर्तित हो गया। तो बात करते हैं कि अगर ठोस को द्रव में परिवर्तित करना पड़ जाए तो उसको एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब वो ऊर्जा कहाँ जाती है, अब जैसे बर्फ़ की बात की हमने कि बर्फ़ को पिघलाना शुरू किया, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जाकर जैसे ही तापमान में वृद्धि हो रही है तो जो बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल कर वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होती जा रही है। तो वो जो ऊष्मा है उस ऊष्मा को क्या कहेंगे, और वो ऊष्मा जाती कहाँ है, अब बर्फ़ पिघलने के बाद पानी बन जाता है, क्या वो पानी गर्म हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ना तो पानी गर्म हो रहा है लेकिन उसका तापमान क्या होगा, उस बर्फ़ के अपेक्षा ज़्यादा रहेगा, उसकी जो ऊर्जा का मान है तो उसके अंदर, पानी के अंदर बर्फ़ की तुलना में वो ज़्यादा रहेगी, वो छुपी हुई ऊष्मा उसके अंदर होती है, इसलिए हम उसको बोल देते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा, संगलन की प्रसुप्त या फिर गुप्त ऊष्मा, यानी कि छुपी हुई ऊष्मा। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बोल देते हैं संगलन की प्रसुप्त या फिर गुप्त ऊष्मा। 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है
उसे संगलन की परसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ है वो द्रव में परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है, ना तो उसके तापमान में वृद्धि हुई लेकिन उसकी जो ऊष्मा की मात्रा है जल में वो ज़्यादा हो जाएगी बर्फ की अपेक्षा। तो वो छुपी हुई ऊष्मा को ही हम संगलन की परसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कि जब द्रव है जैसे ठोस परिवर्तित हो गया तापमान बढ़ने पर द्रव में, ऐसे ही अगर द्रव को का तापमान बढ़ा दिया जाए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस के अंदर। तब उसे क्या कहेंगे और उस तापमान को क्या कहेंगे जो द्रव को गैस में परिवर्तित कर देता है। तो यहां बात करते हैं क्वथनांक की। क्वथनांक जैसे वहां बात की अभी गलनांक, तो यहां हो जाएगा क्वथनांक। वह तापमान जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। यानी द्रव लिया, उसको हीट करना शुरू कर दिया, उसको गर्म करना शुरू किया, जैसे उसने ऊष्मा को अवशोषित किया, ऊष्मा अवशोषित करने के बाद वो द्रव भाप के अंदर जल वाष्प के अंदर परिवर्तित हो गया, तो उसे हम उस तापमान को हम क्वथनांक बोलेंगे। कि वो क्वथनांक होता है, जैसे हम उदाहरण देते हैं जल का, जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना शुरू हो जाता है। अगर इसको केल्विन में बदलना पड़ जाए, अभी हमने पीछे पढ़ा कि 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो 100 डिग्री जो सेल्सियस होगा उसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 100 + 273 373 केल्विन के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो जल का क्वथनांक है वो रहेगा 373 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ कि ठोस ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद द्रव में परिवर्तित हो जाता है और द्रव ऊष्मा को अवशोषित करने के पश्चात गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि यहाँ तापमान में वृद्धि हो रही है। इसका उलट अगर कर दें कि अगर तापमान को घटा दिया जाए, शीतल कर दिया जाए, शीतलता, तो जो गैस है वो वापस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। अगर इस द्रव को दोबारा फिर ठंडा कर दिया जाए, इसका तापमान भी कम कर दिया जाए, तो वो वापस ठोस में परिवर्तित हो जाता है। हम पानी के ही उदाहरण से बात कर रहे थे, तो जैसे गैस होती है, भाप होती है, उसको जब ठंडा किया जाता है तो पानी बन जाता है, और इस पानी को अगर हम फ्रीजर के अंदर रख देते हैं तो वो वापस बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ हमने बात की कि तापमान के परिवर्तन के कारण कैसे ठोस अवस्था द्रव में परिवर्तित होती है और द्रव अवस्था गैस में परिवर्तित हो जाती है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि कैसे तापमान में कमी के कारण गैस द्रव में वापस आ जाता है और द्रव वापस ठोस में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं, जैसे हम कपूर की बात करते हैं या अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो वो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठोस से वो बीच में
ज़्यादा तापमान वृद्धि करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होते। हवन वगैरह करते टाइम आपने देखा होगा कि जब हवन करते हैं तो एक टिक्की रखी जाती है कपूर की, तो उसमें जैसे ही आग जलाई जाती है उसका कोई अवशेष नहीं बचता, वो पहले द्रव में परिवर्तित नहीं होती, तो वो सीधे ठोस में से किस में चली जाती है, वो गैस अवस्था में चली जाती है। इस तरह ठोस से सीधा जो गैस बनने की प्रक्रिया है उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। तो ये बात आ जाती है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन का मतलब हो जाएगा ठोस से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन अगर यही हम, जैसे अभी तो हमने कहा कि ठोस से सीधा किस में बदल जाएगा, गैस में, अगर हम ऐसा कर दें कि गैस से सीधा दोबारा किस में परिवर्तित कर दें, बिना द्रव में बदले गैस से सीधा ठोस अवस्था में बदल दें, तब उसको बोलेंगे निक्षेपण। यानी वह प्रक्रिया जिसके अंदर तापमान में कमी करने के बाद गैस अवस्था सीधी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम निक्षेपण कहते हैं। ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस का बनना और निक्षेपण गैस से दोबारा ठोस का बनना। तो ये बातें आ जाती है हमारी तापमान के प्रभाव को दर्शाती हैं कि तापमान का क्या प्रभाव होता है इन अवस्थाओं के ऊपर, ठोस अवस्था के ऊपर, द्रव अवस्था के ऊपर और गैस अवस्था के ऊपर। तो इसमें हमने अभी नाम बताया, कपूर का नाम भी बोला है जो ये दिखाता है, और अमोनियम क्लोराइड का नाम भी बोला है, नौसादार भी होता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये ऊर्ध्वपातन को शो करते हैं, दिखाते हैं कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया इनके अंदर होती है। उसके बाद बात आती है कि क्या दबाव का भी कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी तो हमने बात की कि तापमान के प्रभाव के कारण एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। दूसरी बात आती है दबाव या दाब, कि दाब का मतलब हो जाएगा कि किसी के ऊपर प्रेशर, फोर्स, बल लगाया, उसको दबाया अच्छी तरह एक वस्तु पदार्थ के ऊपर, एक अवस्था के ऊपर, तो क्या उसकी वजह से भी एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो बात करते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, सुना होगा आप लोगों ने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर जब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबाव लगाया जाता है, एक एटमॉस्फेयर दाब को जब अप्लाई लगाएंगे, तो ये जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है शुष्क बर्फ। तो छोटा सा प्रश्न बन जाता है कि शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो कितना बल लगाते हैं, कितना दाब लगाते हैं, एक एटमॉस्फेरिक दाब उसके ऊपर लगाया जाता है, तो उसकी अवस्था भी सीधे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये दिखाते हैं कि कैसे दाब का और तापमान का इन अवस्थाओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगला टॉपिक हम इसी में करेंगे, वाष्पीकरण क्या होता है और वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। पहले बात करते हैं वाष्पीकरण की। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि जो द्रव है जैसे ही उसका तापमान बढ़ाया जाता है तो वो द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वो कैसे परिवर्तित होता है, वो ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद द्रव वाष्प में बदल जाता है। तो इस तरह द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं।
निश्चित तापमान पर किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी जल लिया, द्रव होता है, और जैसे ही उसका तापमान बढ़ाया, जैसे उसको गर्म करना शुरू किया, तो उसने ऊष्मा को अवशोषित किया और वो वाष्प भाप के अंदर परिवर्तित हो गया। तो ये जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोल देंगे, उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। उसके बाद बात आ जाती है कि कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। अब कौन से कारक होंगे, पहले नंबर पर हम लिख देते हैं कि बात करते हैं तापमान की। कि अगर तापमान बढ़ जाए तो क्या होगा। अभी हमने बात की कि तापमान में जैसे ही बढ़ोतरी की जाती है, जैसे ही वृद्धि की जाती है, जो द्रव है वो किस में बदल जाता है, वाष्पीकरण में, वाष्प में बदल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि तापमान बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। गीले कपड़े होते हैं, उसको हम तार पे धूप के अंदर सुखाते हैं। एक कपड़े को हम छाया में सुखाएं, एक कपड़े को हम धूप में सुखाएं, तो कौन सा पहले सूखेगा ये आप सभी जानते हो। उसका क्या कारण है, उसका कारण है तापमान। इसके कारण जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ से जल्दी वाष्प बनेंगे पानी के, उस द्रव के, और जो कपड़ा है वो जल्दी सूख जाएगा। तो तापमान में वृद्धि करने पर जो वाष्पीकरण की दर है बढ़ जाती है। दूसरी बात करते हैं अक्षेत्रफल की। कि अक्षेत्रफल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, अक्षेत्रफल का वाष्पीकरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। कि जैसे अक्षेत्रफल बढ़ेगा वाष्पीकरण की जो दर है वो भी बढ़ जाती है। कैसे, हम बात करते हैं एक कप के अंदर हम चाय लेते हैं तो वो गर्म होती है, उसी चाय को हम प्लेट के अंदर डाल देते हैं, एरिया ज़्यादा हो जाता है, क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है, तो जो उसमें से भाप है वो निकलनी शुरू हो जाती है और तापमान में कमी आ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब वाष्पीकरण की दर क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। अक्षेत्रफल बढ़ने से, जगह ज़्यादा बढ़ने से कोई भी वस्तु जल्दी ठंडी हो जाती है, इसका मतलब उसमें से वाष्प बन के जल्दी बाहर निकल आते हैं। अब कभी कपड़ों की बात की, कपड़े सुखाने की बात की थी, अगर उन कपड़ों को इकट्ठा धूप में भी डाल दिया जाए तो वो कम सूखेंगे, लेकिन अगर उनको फैला के डाला जाए, अक्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, तो वो जल्दी सूख जाते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया कि अक्षेत्रफल बढ़ने पर भी वाष्पीकरण की जो दर है, जो स्पीड है, वो बढ़ जाती है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है वायु के अंदर जो नमी होती है। अगर वायु में नमी है, नमी अगर वायु में है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि तापमान में अपने आप ही गिरावट है, यानी कम है तापमान। अभी हमने पहले ही पॉइंट के अंदर पढ़ा कि तापमान अगर बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी,
लेकिन अगर तापमान में कमी हो जाएगी तो इसका उलट हो जाएगा कि वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अब तापमान कब घटेगा? जब वातावरण के अंदर नमी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर्द्रता, वायु में नमी, जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर अपने आप ही कम हो जाएगी। वायु में नमी बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो इसमें बात आ गई कि दो में हमने ऊपर देखा कि दोनों में दर बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है वाष्पीकरण की। आर्द्रता में हमने देखा कि जो वाष्पीकरण की जो दर है वो घट रही है। इसका जो चौथा कारक है, अगला जो कारक बनेगा जो वाष्पीकरण को प्रभावित करेगा, उसमें हम बात कर लेते हैं वायु की गति। कि अगर हवा तेज स्पीड में चल रही है तब क्या प्रभाव पड़ता है? अगर बात करें तो अगर जैसे वायु की गति बढ़ेगी वैसे वैसे जलवाष्प या नमी की मात्रा भी कम होती चली जाएगी। अगर ये मात्रा कम होती चली जाएगी नमी की मात्रा, तो उसी हिसाब से जो तापमान है वो बढ़ता चला जाएगा। और इसका भी प्रभाव क्या रहेगा कि वायु की गति ज़्यादा होने पर जो वाष्पीकरण की दर है वो भी बढ़ती चली जाएगी। वायु की गति अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ा कि कैसे तापमान और दाब के प्रभाव से अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है, तीनों अवस्थाओं में कैसे एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदल जाती है, और वाष्पीकरण क्या होता है, और कौन से ऐसे कारक हैं जिससे वाष्पीकरण की दर जो है वो प्रभावित होती है। आगे लेक्चर में जो मुख्य प्रश्न रहेंगे इनसे संबंधित वो करेंगे।